साथियों, हमारा जीवन सांप सीढ़ी के खेल के तरह है। कब सांप हमें डस ले कुछ पता नहीं है, या कब हम किसी सीढ़ी का सहारा लेकर के सफलता के शिखर पर पहुंच जाए पता नहीं है, और यह भी पता नहीं है कि हम सावधानी कहां बरतें, और यही है भाग्य। परंतु ज्योतिष के माध्यम से हम काफी हद तक इस खेल में, इस उतार चढ़ाव के खेल में सफलता अर्जित कर सकते हैं। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा 2023 की करेंगे और आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में, बेहद ही संक्षेप परंतु सारगर्भित रूप में। यदि आप अपने लग्न से संबंधित, अपनी राशि से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने लिंक प्रोवाइड किया है, ताकि जाकर के आप उसको देख सकें और उपाय भी कर सकें अपने 2023 को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बनाने के लिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो शुरुआत में ही हम सबसे पहले जो वर्ष आरंभ की जन्म पत्रिका है धनु राशि की, उस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं, ताकि रेफरेंसेस के लिए हमारे आसानी हो। और वैसे भी जो धनु राशि का जातक या जातिका होता है, उसकी एक प्रवृत्ति होती है, निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, निरंतर स्वयं को अपग्रेड करते रहने की प्रवृत्ति, जिससे भी जहां भी जो भी उसको सीखने को मिलता है तुरंत वो सीख लेता है। और यही कारण है धनु राशि के जातकों का सफलता पर सफलता अर्जित करते चले जाने का। अपनी जो बात है वो कहीं पर रखते भी हैं तो यूं ही नहीं रखते थे, वो तर्क के साथ में अपनी बात रखते हैं, और जब तर्क के साथ में बात रखी जाती है तो फिर उनकी काट करने के लिए या तो आपको उससे बेहतर तर्क चाहिए या फिर आपको चुप्पी साधनी पड़ती है। और यही कारण है कि वो एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे विचारक भी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं, परंतु कई बार वो अति उत्साह में कुछ गलतियां कर लेते हैं। मानव है, गलतियों का पुतला है, गलतियां होना स्वाभाविक है। बहुत बड़ी खुशखबरी इनको जनवरी में ही मिल जाएगी, एक और ख़ास तौर पर 17 जनवरी के बाद, जबकि इनकी जो 7.5 है उससे इनको मुक्ति मिल जाएगी। हमने बात की कि ये जो वर्ष है 2023, ये धनु राशि के लिए उतार और चढ़ाव वाला वर्ष रहा है, सांप और सीढ़ी के खेल जैसा ये वर्ष रहने वाला है। बीमारी की जो अनुभूति है, इनको यदि ऐसा लग रहा है कि मैं इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर चुका हूं और ये तनिक भी यदि लापरवाह हो गए तो वो लौट करके आ सकती है, पुनः प्रकट हो सकती है, या और बड़ी समस्या के रूप में और गहराई में उतर करके वो प्रकट हो सकती है। खास तौर पर आपको 7 जून से लेकर के 4 नवंबर 2023 विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि श्वास से संबंधित हार्मोनल कोई डिसीज, जैसे कि थायराइड, या फिर खांसी और नाक कान और गले से संबंधित कोई समस्या है, तो उसके लिए आपको जागरूकता पूर्वक व्यायाम करना चाहिए और उस बीमारी को क्योर करने के लिए अपना थोड़ा समय जो है 24 घंटे में से देना ही चाहिए नित्य। जो लोग किसी भी प्रकार के व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, वो जिस धन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और 7.5 के कारण वो धन उनका मिलता नहीं था, ये 2023 वर्ष उनका इंतजार समाप्त करने वाला वर्ष है और धन उनकी उम्मीद से अधिक आएगा। परंतु साथ ही जैसे उतार चढ़ाव है तो वो बेतहाशा खर्च भी आपके लिए लेकर के आएगा, परंतु खुशी की बात यह है कि वो जो खर्च है वो निवेश के रूप में या फिर मांगलिक कार्यों में होगा, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। अपने बिजनेस के, अपने नौकरी को अपग्रेड आप 2023 में आसानी से कर पाएंगे और उसके स्तर में, चाहे वो क्वालिटी हो या क्वांटिटी हो, दोनों में आप बढ़ोतरी कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये, बिजनेस या जॉब में ये उड़ान भरने का समय है,
आपका आ गया है 2023 में। परिवार की यदि बात करें तो भाई भाई में या फिर भाई बहनों के बीच में जो अनबन है, खास तौर पर 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक, तो ये थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला समय है। किसी प्रकार के झूठे आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं और आपको नसीहत यही है कि अत्यधिक सोशल मीडिया में ना उलझे रहें। किसी तीसरे व्यक्ति, किसी बाहरी व्यक्ति, किसी मीडिया, सोशल मीडिया, उसके कारण आपके रिश्तों में हस्तक्षेप, रिश्तों में गलतफहमियां आ सकती हैं और फिर एक बार जब गलतफहमी आ जाती है तो उसको दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन सब के बीच में जो आपके जीवन साथी हैं उनका सहयोग आपको निरंतर मिलता रहेगा। आपके ऐसे रिश्तेदार जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, ऐसे रिश्तेदारों की संख्या में इस वर्ष बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि आपके जब अच्छे दिन आते हैं तो जलने वाले बढ़ोतरी उनकी संख्या में अवश्य ही हो जाती है। साथियों, बात करते हैं प्रेम और थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन के बारे में भी। प्रेम में जरूरत से ज्यादा आपको मिलेगा। अब जरूरत कितनी है और ज्यादा कितनी है, जितनी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जितनी हम अपेक्षा अपने प्रेमी या प्रेमिका से कर रहे हैं, उससे अधिक आपको मिलेगा। और थोड़ा सा यदि आप साहस का सहारा लेते हैं तो इस वर्ष जो प्रेमी जोड़े हैं उनका विवाह या प्रेम जो है वो विवाह में परिणत अवश्य हो पाएगा। एक नसीहत यह है कि 22 अप्रैल के बाद में जब गुरु और राहु की जो युति है, ये ऐसे सभी लोगों को सावधान कर रहा हूँ मैं, सावधान उनको हो जाना चाहिए जो शादीशुदा हैं परंतु किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, क्योंकि वो अफेयर उजागर हो सकता है और बदले में आपको निश्चित रूप से सिवाय बदनामी के और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो समय रहते आप चेत जाइए। जो पुरुष जातक हैं धनु राशि के, उनको अड़चन है विवाह में इस वर्ष। हो सकता है इस वर्ष भी 99.9% पर आकर के आपकी जो शादी की बात है वो कहीं ना कहीं पर रुक जाए। सामने वाले जो है वो बिना किसी कारण के मना कर सकते हैं और जिम्मेदारियों का जो भार है उसके कारण हो सकता है कि आप स्वयं अपनी शादी की बात को आगे पोस्टपोन कर दें। तो जितनी भी नकारात्मक बातें इस वर्ष हमने आपको बतलाई हैं, चाहे वो विवाह न होने को लेकर के हैं, चाहे वो किसी प्रकार के झूठे आरोप को लेकर के हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप वट वृक्ष में रोजाना जल समर्पित करें और उसकी 3 परिक्रमा जरूर करें, तो आपको निश्चित तौर पर 2023 एक बेहतरीन वर्ष के रूप में आपके जीवन में सदैव याद रहेगा। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।